अब मैं आपको आपकी बुक का ही एक एग्जांपल करवा रही हूँ, आपकी बुक का एग्जांपल टू है, ठीक है। हमारे पास कंपनी है वाई, जो डिटेल्स हमें दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30 लाख, टैक्स रेट इज 30%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, EBIT हमें दे रखा है ₹2 लाख। हमें तीन सिचुएशंस दे रखी हैं। फर्स्ट सिचुएशन में नो डेट, हम डेट को नहीं यूज़ करते, तो हम उसको एक और वर्ड यूज़ करते हैं, अर्नली वर्ड फॉर्म। अर्नली वर्ड इज नो यूज ऑफ डेट, टोटल इक्विटी, अर्नली वर्ड फॉर्म। सेकेंड सिचुएशन में डेट ऑफ ₹10 लाख, और थर्ड सिचुएशन में डेट ऑफ ₹20 लाख। सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। एक कंपनी है वाई, उस कंपनी वाई की कैपिटल जो उसने टोटल लगाई वो 30 लाख्स है, टैक्स रेट हमें गिवन है 30%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% पर एनम दे रखा है, EBIT आपको दे रखा है। उसी कंपनी की तीन सिचुएशंस दे रखे हैं। सपोज़ वो कंपनी कोई भी डेट नहीं यूज़ करती, डेट यूज़ करती है 10 लाख्स का, डेट यूज़ करती है 20 लाख्स का। यू हैव टू कमेंट अपॉन द सिचुएशन, किस सिचुएशन में कंपनी के शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। नाउ मैंने आपको क्या सिखाया, मेरी कंडीशन क्या है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की, ROI शुड बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेट, ये हमारी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ROI शुड बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है, क्या हम ROI की परसेंटेज निकाल सकते हैं? देखो पुराने क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग, हमारे पास ROI कितना था, 30%। अगर मेरे को EBIT दे रखा है तो क्या मैं ROI निकाल सकती हूँ? अगर मेरे को 3 लाख्स की फ़िगर दे रखी है, 10 लाख्स की फ़िगर दे रखी है, कैन आई रीच टू दिस 30%? यस, ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे, ROI निकालेंगे। ROI कैसे निकालोगे आप लोग, ROI इज EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 परसेंटेज आ जाएगी। तो हमारी EBIT कितनी है, 2 लाख्स, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 30 लाख्स इनटू 100। So 20 divided by 3, it comes out to be 3 6 18, 6.667%। ये आ रहा है हमारा ROI, ROI क्या आ रहा है, 6.667%। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन करने से पहले आप पहले ROI अगर कैलकुलेट कर लोगे तो आपको वहीं क्लियर हो जाएगा। देखो ROI आपका क्या है, ज़्यादा है, ये क्या है, मेरी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की कंडीशन है। ROI कम है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो हमें क्या समझ आना चाहिए कि जब भी हम डेट यूज़ करेंगे हमें फ़ायदा नहीं होगा। एंड नाउ वी विल बी प्रूविंग दिस, दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज सेकेंड सिचुएशन एंड दिस इज थर्ड सिचुएशन। बुक के तरीके से मत करना, जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करना, उससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। ठीक है, पहले हम सबसे पहले देखते हैं इक्विटी। फर्स्ट सिचुएशन में नो डेट,
तो डैट मीन्स हमारे पास पूरी 30 लाख की इक्विटी है। सेकेंड सिचुएशन में डेट है 10 लाख का, तो डैट मीन्स 20 लाख की इक्विटी है। थर्ड सिचुएशन में डेट है 20 लाख का, दैट मीन्स 10 लाख की इक्विटी है। देन 10% डेट, देन 10 लाख, 20 लाख, कैपिटल पे पहुंच गए हम लोग। चलो मैं कैपिटल के नीचे 2 लाइन इसलिए खींचती हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन में आगे कोई भी यूज़ नहीं है। फिर हमें EBIT दे ही रखा है, EBIT इज 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख की EBIT, यहाँ भी EBIT इज 2 लाख। ठीक है, अब EBIT में से सबसे पहले आप क्या माइनस करते हो, इंटरेस्ट ऑन डेट। इसके पास कोई भी डेट नहीं है, 10 लाख पे 10%, 1 लाख का इंटरेस्ट पे करा इसने, इसने 2 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया। अब क्या बच गया, EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स 2 लाख, 1 लाख, इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, प्रॉफिट ही ख़त्म हो गया उसके पास। फिर अब टैक्स पे करूँ, टैक्सेस 30%, 2 लाख का 30%, 60,000 इसने टैक्स पे किया, 30,000 इसने टैक्स पे किया, ये बेचारा कोई टैक्स पे करने की कंडीशन में ही नहीं है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 1,40,000, 70,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स देखो जरा इसके पास कितने हैं, इसके पास एक इक्विटी शेयर की वैल्यू आप लगा लो 10 रुपये। ठीक है, सपोज यूएसयू में ट्रस्ट 10, तो 3 लाख इक्विटी शेयर इसके पास है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स इसके पास हैं, और 1 लाख इक्विटी शेयर इसके पास है। अब आप निकालो EPS, अर्निंग पर शेयर। EPS कैसे निकालते हो आप, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, दैट विल गिव यू 0.47। 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, इट विल कम आउट टू बी 0.35। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स देखो, फर्स्ट सिचुएशन से सेकेंड सिचुएशन में हमें अर्निंग्स कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं? सेकेंड सिचुएशन में हमें अर्निंग्स कम हो रही हैं। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, सिंस द ROI इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन डेट, द यूज ऑफ डेट डज नॉट बेनिफिट द इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनफेवरेबल फाइनेंशियल। तो जब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है डेट यूज़ करने से, दे आर एट लॉस। देखो यहाँ अगर फर्स्ट सिचुएशन में हम बात करें, तो फर्स्ट सिचुएशन में हमें अर्निंग्स हो रही है 47% की, यहाँ हमारी अर्निंग्स रिड्यूस हो गई 35% की, अर्निंग्स कम हो रही हैं। डेट यूज़ करने से अर्निंग्स आर बीइंग रिड्यूस, जब डेट यूज़ करने से अर्निंग्स कम हो गई तो डैट मीन्स हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज हमारी कंडीशन हमने पहले ही कह दिया था कि वी विल नॉट बी बेनिफिटेड बाय, बिकॉज वी कैलकुलेटेड ROI, ROI इज 6.67%, और हमारा डेट
का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। जब ROI कम है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो हमें बेनिफिट नहीं होगा। दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। तो आपके साथ मैं दोनों सिचुएशंस डिस्कस कर चुकी हूँ, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज एज वेल एज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा।